आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है, जिन जिन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, और सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान का निर्माण। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही भारत को सही मायने में आजादी मिली। संविधान के लागू होने से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल एवं तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक पहचान बनाई है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है और पूरी दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो रही है। चले गए जो हंसते हंसते बांध अपने सर पे कफन, उन शहीदों के बलिदान को हमारा शत शत नमन। यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितनों ने गोलियां खाई थी। नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है, उन सभी सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्र भारत की विभिन्न लड़ाइयों, युद्धों, अभियानों एवं संघर्षों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उन हजारों जवानों के नाम हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ विलय हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आइए नमन करते हैं देश के वीर सपूतों को जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। मानव का जिज्ञासु मन शुरू से ही अंतरिक्ष को जानने और समझने की कोशिश करता रहा है। आज हम अंतरिक्ष के रहस्यों का भेद पाने के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग कर न सिर्फ चंद्रमा पर जा पहुँचे हैं, बल्कि ब्रह्मांड के एक अन्य विस्मयपूर्ण ग्रह मंगल की कक्षा में अपने उपग्रहों को स्थापित करने में भी सफल हुए हैं। हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि मंगल ग्रह के क्षेत्र में पहुंचने वाले विश्व के चार देशों में एक देश हमारा भारत भी है। 24 सितंबर 2014 को भारतीय उपग्रह मार्स ऑर्बिटर, जिसे मंगल यान का नाम दिया गया है, के मंगल की कक्षा में पहुँचते ही हमारा देश मार्शियन एलीट क्लब में शामिल होने के साथ साथ अपने प्रथम प्रयास में ही कामयाबी हासिल करने वाला विश्व का एकमात्र देश बन गया है। योग शब्द अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान के समान है, जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। योग का इतिहास करीबन 5000 साल पुराना है, जिसे प्राचीन भारतीय दर्शन में मन और शरीर के अभ्यास के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना योग के प्रति विश्व में जागरूकता का प्रमाण है। वेद भारतीय संस्कृति के मूल हैं। ये प्राचीन भारत के वे पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेदों को समझना प्राचीन काल में विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है। वेद ज्ञान और विज्ञान का मिश्रण है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अध्यात्म, दर्शन, योग, साहित्य, कला तथा खगोल शास्त्र जैसे क्षेत्रों में वैचारिक गहराइयों तक उतरकर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो वेद रूपी ज्ञान का खजाना हमें दिया है, वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक विरासत की तरह है। इस विरासत को संजोने एवं आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हम वेद ज्ञान को समाहित कर भारत को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में तथा भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। भारत प्राचीन काल से ही चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहाँ धन्वंतरी से लेकर चरक और सुश्रुत जैसे महान विशेषज्ञ हुए। भारत की स्वदेश निर्मित ICMR एवं भारत बायोटेक की सहभागिता से बनाई गई कोवैक्सीन हमारे देश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कोरोना की लड़ाई में इस वक्त भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है, जहां वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है, जहां लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार 22 भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे भारतवर्ष का एक महान चरित्र है,
विविधता में एकता सभी धर्मों के लोगों को आपस में बांध कर रखता है। इसी अनोखे गुण के रूप में भारतवासियों में धार्मिक सहिष्णुता है, जो उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। आजादी के 75 वर्षों में भारतवासियों ने तकनीकी विकास के साथ साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखा है, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा अभिमान है कि आमी भारतीय आमी भारतीय गर्व करछो। इंडिया नागो एरु बदे पैरो मई बोल गिरो। आमरा भारतीय बली गर्वितो। नागो भारतीय रागी रलु हिम्मे पदुत्तवे। सानु गर्वे के सिसारे पाकिया हाँ। अमाने भारतीय होवानु गर्वा छे। पुरु इंडिया कारण आई दिल जिन्यल अभिमानी कुन्नू। अस्मान गर्वम यत वयम भारतीय स्वाहा।